तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली लखनऊ गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। मुख्तार के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी के घर पर भी छापा, सुबह 5 बजे से ही ये छापेमारी चल रही है। मुख्तार के ठिकानों को सुरक्षा बलों ने घेरा है, सीआरपीएफ ने ठिकानों की घेराबंदी कर दी है। मुख्तार अंसारी पर अब ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजधानी लखनऊ समेत दिल्ली, गाजीपुर, मऊ तमाम जगहों पर ईडी ने आज एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान तमाम जगहों पर दस्तावेज जो है वो खंगाले हैं। लखनऊ में भी 2 जगहों पर छापेमारी की गई है। ईडी लगातार उन तमाम संपत्तियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है जो मुख्तार अंसारी से संबंधित है या उस भाई अफजाल अंसारी या उनके रिश्तेदारों से संबंधित हैं। फिलहाल लखनऊ के डालीबाग इलाके में ये छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान ईडी को तमाम दस्तावेज जो हैं वो भी मिले हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ईडी अब सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। ईडी ने मुख्तार अंसारी पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज राजधानी लखनऊ समेत तमाम जगहों पर ईडी की मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी चल रही है। आप लखनऊ में तस्वीरें देख सकते हैं कि ये लखनऊ के डालीबाग इलाके की तस्वीर है जहां पर इस वक्त ईडी जो है वो अपनी टीम के साथ जो है यहां पर छापेमारी कर रही है। यहीं पर अफजाल अंसारी का भी घर है और इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के जो करीबी हैं उनके भी दफ्तर यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ईडी अब पूरी तरह से जो है मुख्तार अंसारी पर अपना शिकंजा कस चुकी है और इसी कड़ी में गाजीपुर में करीब 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसके साथ साथ लखनऊ में छापेमारी हो रही है और लखनऊ के डालीबाग इलाके में इस वक्त जो ईडी की टीम है वो पहुंची हुई है। करीब 8 सदस्यीय टीम जो है वो यहां पर मौजूद है और लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है वो जारी है। ऐसे में मुख्तार अंसारी हो, चाहे अफजाल अंसारी हो या उनके करीबी हो, सभी पर ईडी अपना शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है।